कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आज यानी गुरुवार को दूसरा दिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज यात्रा की विधिवत शुरुआत की। अंकलेश्वरम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को एकता और भाईचारे का संदेश देने सुबह 7 बजे राहुल गांधी अपने हजारों समर्थकों के साथ निकल पड़े। उनके साथ 100 भारत यात्री के अलावा अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल थे। राहुल गांधी सहित सभी भारत यात्रियों के ठहरने के लिए कंटेनर ट्रक साथ में चल रहा है। इस यात्रा में धनबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह भी शामिल थे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस आम लोगों से संपर्क साधेगी। ऐसा माना जा रहा है कि यह यात्रा कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री का नाम दिया है। दिस भारत जोड़ो यात्रा फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाई इज इट that after so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. We can see here the Indian flag fluttering in the wind, and all of us look up to this flag and salute this flag. Ranchi se Bureau Report.